अगला जो बिंदु है जिस पर एक सक्षम कार्रवाई की जरूरत है वह है मानवाधिकार। मानवाधिकार के मायने क्या है, इस अध्याय का ये स्वयं में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक 20वीं-21वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। आज से लगभग 200 साल पहले, 200 वर्ष पूर्व 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक प्रसिद्ध लेखक थे रूसो। रूसो ने लिखा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इसके क्या मायने हैं? मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। इसके मायने ये हैं कि पैदा होते ही वह मुक्त हो जाता है। माँ के गर्भ से जब बच्चा निकलता है तो उसका जो अंतिम संबंध माँ के साथ होता है वह होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ। जब अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है तो बच्चा इस धरती में पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। लेकिन ये स्वतंत्रता क्षणिक थी, उसके कुछ समय बाद ही, जन्म के कुछ समय बाद ही उसमें दुनिया भर के बंधन शुरू हो जाते हैं। बंधनों से तात्पर्य है परंपराएं, रीति रिवाज, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके जो तमाम पहलू हैं ये एक तरीके से बंधन ही तो हैं। इन बंधनों की ओर इशारा करते हुए रूसो लिखते हैं, हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इस कथन के द्वारा रूसो ने शोषण और असमानता को बड़े स्तर पर उसको उस पर इशारा करने की कोशिश की है। उसने कहा कि सभी लोगों को स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों का उपभोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसने पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की कि अधिकार और स्वतंत्रता हर व्यक्ति का अधिकार है। वहीं से शुरू होता है मानवाधिकार की भावना, मानव अधिकार। मानव अधिकार के यदि हम अर्थ को और थोड़ा विस्तार से समझें, अर्थात मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंग्रेजी में जिसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं, तो इसके क्या मायने हैं? एक तो हमने अधिकार विभिन्न अध्यायों में पढ़ा है, कुछ संवैधानिक अधिकारों को भी पढ़ा है और अधिकारों को कुछ दूसरे अर्थ भी पढ़े हैं। अब ये एक मानव अधिकार एक नया शब्द प्रचलित है, गत 100-150 वर्षों में ज़्यादा इसका प्रचलन हुआ है। आखिर क्या है? मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? आदमी अपनी सबसे अंतिम इच्छा क्या रखता है, सबसे बड़ी इच्छा कि अपने जीवन को, अस्तित्व को बनाए रखें और व्यक्तित्व में विकास करें। हर व्यक्ति चाहता है कि वह विकसित होता रहे, शारीरिक ही नहीं, मानसिक ही नहीं, भौतिक, आध्यात्मिक, हर दृष्टि से विकास की अपेक्षा करता है। वो अधिकाधिक विकास चाहता है और इस विकास के लिए उसे कुछ सुविधाओं की जरूरत होती है और कुछ ऐसी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है जहाँ पे उसका विकास संभव हो। बहुत छोटा सा एक उदाहरण, गांव में जो बच्चे रहते हैं वे बहुत सी सुविधाओं से और उनकी दूसरी परिस्थितियों के कारण वो बहुत सी ऐसी चीज़ों से वंचित हो जाते हैं जो शहर के बच्चों को मिलती हैं, वे सुविधाएँ और वे परिस्थितियाँ। परिणाम क्या होता है? और यह परिणाम के पहले इसके मायने ये हुए कि गांव के बच्चों को वे अधिकार नहीं मिल पाते जो शहर के बच्चों को मिल जाते हैं, वे परिस्थितियां नहीं हो पाती, वे जिसे हम कहें कि सुविधाएं नहीं मिल पाती जो उनके विकास में सहयोग करें।
उनके विकास की गति को बढ़ाएं। परिणाम क्या होता है कि वह एक तरीके से सीमित दायरे में रह जाता है। इन अधिकारों या इन सुविधाओं और परिस्थितियों के ना होने की स्थिति में एक सामान्य जीवन वह नहीं जी पाता। सामान्य जीवन का अस्तित्व ही वास्तव में असंभव है, और अपने व्यक्तित्व का विकास तो कर ही नहीं पाता। पूर्णत्व को पूर्णत्व जिसे हम बोलेंगे, पूर्णता, उसे पा नहीं पाता। दूसरे शब्दों में, हमें ऐसी परिस्थितियां, हमें ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो हमारा अधिकार है, जिसके तहत हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। एक व्यक्ति पूर्णत्व को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसे उचित परिस्थिति मिले, उचित वातावरण मिले। परिस्थिति का अर्थ वातावरण है, उचित सुविधाएं मिले। हैरल्ड लास्की, दूसरे प्रसिद्ध विचारक, उन्होंने कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना साधारणतया कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। क्या इस बयान से हम में से, आप में से कुछ लोग सहमत नहीं होंगे? निश्चित रूप से सभी लोग इस बात से सहमत हैं जो लास्की ने कही है कि सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां अधिकार कहलाएंगी जिसके बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, पूर्ण विकास नहीं हो सकता। और इन सुविधाओं को पाने के लिए, इन परिस्थितियों को पाने के लिए आदमी क्या चाहता है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की ये मांग ही राज्य द्वारा माने जाने पर मानव अधिकार कहलाती है। तो मानव अधिकार के संक्षिप्त में अर्थ हम देखें तो ये है स्वतंत्रता की मांग। स्वतंत्रता किसके लिए? सुविधाओं की स्वतंत्रता और ऐसे वातावरण की स्वतंत्रता जो उसके विकास में, उसके विकास में एक तरीके से विकास का कारण बने। इस प्रकार मानव अपने अधिकारों का उपयोग राज्य के संरक्षण में ही कर सकता है, क्योंकि राज्य ही सामाजिक जीवन की सबसे शक्तिशाली संस्था के रूप में इन सुविधाओं को दे सकता है, स्वतंत्रता दे सकता है और परिस्थितियों को उपलब्ध करा सकता है। परिस्थितियां, स्वतंत्रता, सुविधाएं, ये सब हमें नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से नहीं मिली। जो सरकार है, जो सत्ता है, जो राजनीतिक ढांचा है, वह सुनिश्चित करता है कि उसके नागरिकों को ये सब मिले, ताकि उसके नागरिकों का पूर्ण विकास हो, उसमें वे बाधक ना बन करके उसमें वे सहयोग करें। इसलिए राज्य की भूमिका बहुत अहम है मानव के विकास में। इसलिए राज्य की भूमिका इन अधिकारों के मामले में बहुत अहम है। आखिर राज्य सबसे शक्तिशाली संस्था है जो उपलब्ध करा सकता है स्वतंत्रता, परिस्थितियां, सुविधाएं। इसलिए मानव अधिकारों से हमारा तात्पर्य उन अधिकारों से है जो राज्य के निरंकुश रूप से साधारण नागरिकों की रक्षा करने के लिए कवच का काम करती है। तो मानव अधिकार क्या है? कवच। कवच किसके बीच में? राज्य और आदमियों के बीच में। किस चीज का कवच है? रक्षा करने के लिए। कवच की भूमिका ही होती है रक्षा करना। किस बात से रक्षा करना? कि वे उनके जो अधिकार हैं उस पर राज्य किसी तरह से हनन ना करे, हस्तक्षेप ना करे। इसलिए हम कहते हैं, एक बार पुनः कहें कि मानव अधिकारों से हमारा तात्पर्य उन अधिकारों से है जो राज्य के निरंकुश स्वरूप से सामान्य नागरिक को बचाते हैं, रक्षा कवच का काम करते हैं, और जो मानव अधिकार के इस प्रकार सर्वांगीण विकास में बहुत आवश्यक होते हैं। तो मानव अधिकार कवच,
राज्य के और जनता के बीच की कवर, राज्य की निरंकुशता से बचाने के लिए, उससे बचने के लिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव अधिकार, मानव के वे नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं जो मानव जाति को जन्मजात गरिमा और सम्मान प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। मानव अधिकार की परिभाषा और उसकी महत्ता को जानने के बाद हम देखें भारत ने क्या प्रयास किया मानव अधिकार के मामले में। बात तो शुरू हुई थी फ्रांस की क्रांति से, लेकिन उसका जो वाक्य है रूसो का, उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा और ये वाक्य अमर हो गया। भारत में भारतीय संसद द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित होता है। उसकी धारा 2 के अनुसार मानव अधिकारों का मतलब संविधान द्वारा प्रत्याभूत या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में निहित और भारत में न्यायालयों में जो जीवन, परिवर्तनीय, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा के संबंध में बात कही गई है वे अधिकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का अर्थ 6 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में जो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों को अंगीकृत किया गया और जिसमें प्रतिबद्धता और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का जिक्र किया गया, उससे ताल्लुकात है। संक्षिप्त में यदि हम बोलें तो मानव अधिकार का अर्थ है, पहला, वे अधिकार जो प्रत्येक मानव के जन्मजात होते हैं और उसके जीवन के अभिन्न अंग हैं। दूसरा, वे अधिकार जो मानव जीवन और उसके विकास के लिए आधारभूत फंडामेंटल। तीसरा, वे अधिकार जिनके उपयोग के लिए उचित सामाजिक दशाएं और परिस्थितियों का होना एक पूर्व शर्त है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, उचित सामाजिक दशाएं और परिस्थितियों का होना एक पूर्व शर्त है यदि हमें इन अधिकारों का समुचित उपयोग करना है तो। और चौथा और अंतिम है, वे अधिकार जिन्हें मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं और मांगों के रूप में प्रत्येक राज्य को अपने संविधान और कानून में शामिल करना चाहिए। इस प्रकार मानव अधिकार के हम ये 4 अर्थ देख सकते हैं, जन्मजात, अभिन्न, विकास के लिए आधारभूत, उचित दशाएं और परिस्थितियों का निर्माण और अंतिम प्राथमिक आवश्यकताओं को संवैधानिक दर्जा देना। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है और उसके बाद 1966 में जो आम सभा में नागरिक अधिकारों को लेकर जो प्रस्तावना और जो प्रतिबद्धता बनी, उसका कुछ अनुकरण भारत ने भी किया है। लेकिन दुर्भाग्य से मानव जाति का आज तक का इतिहास देखा जाए तो जनता को मानव अधिकार से वंचित रखे जाने का ही इतिहास है। मानव अधिकारों को वंचित रखे जाने के कारण क्रांतियां होती हैं, युद्ध होते हैं, विद्रोह होता है और इस तरह की गतिविधियां होती हैं जो अगले चरण को जन्म देती हैं। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही अधिकारों का फिर हनन होना शुरू होता है शासक द्वारा, तथाकथित उन्नत वर्ग द्वारा, धनी वर्ग द्वारा, और फिर से अधिकारों की चेष्टा होती है। कि मानव अधिकारों से वंचित रखे जाने के ही घटना का पूरा विवरण इतिहास है। इतनी नहीं,
आज के विश्व में मानव अधिकारों के हनन के तो बहुत से उदाहरण मिलते हैं। आप किसी भी देश की ओर झांके, किसी भी क्षेत्र की ओर झांके, वहां आप ये एक सामान्य पाएंगे कि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, उस पर चोट पहुंचाई जा रही है। एक ओर जहां हनन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सभी धर्मों के साहित्य में मानव अधिकारों उससे संबंधित किसी न किसी रूप का जिक्र किया गया है। शुरू से ही साधु संत, पैगंबर, कवि, दार्शनिक, लेखक, समाज सुधारक, इन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई है। लेकिन इतने लंबे काल के बाद भी मानव अधिकारों की स्थिति कोई बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। 18वीं शताब्दी में जाकर ये जो अधिकार हैं, इन्हें एक तरीके से वैधानिक रूप दिया गया, इसके प्रयास शुरू हुए। एक विशिष्ट श्रेणी मानते हुए मानव अधिकार के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई, और ये कब? 18वीं शताब्दी में। एक पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सामाजिक अनुबंध। ये पुस्तक रूसो के द्वारा ही लिखी गई है, जिसका जिक्र मैंने किया है, जिसमें उसने कहा है मानव स्वतंत्र जन्मा है, परंतु सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा है। ये 18वीं शताब्दी की घटना है, 18वीं शताब्दी में लिखा गया। इसके मायने ये कि ये पंक्ति लिखने के लिए रूसो प्रेरित इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने पाया कि पूरा समाज जो है उसका हर व्यक्ति एक तरीके से जंजीरों में बंधा हुआ है, स्वतंत्र नहीं है। इतने हजारों वर्ष के इतिहास में के बावजूद, हजारों वर्षों के संघर्ष के बावजूद, आज भी मानव स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, अपनी स्वतंत्रता के लिए, वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। सौभाग्य से रूसो के इस पुस्तक लिखने के बाद, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद, इस विचार को ज़्यादा बल मिला, जिसमें मानव के अधिकारों का जिक्र होता है। 1776 जब अमेरिकी स्वतंत्रता, अमेरिका जब स्वतंत्र होता है, तो स्वतंत्रता की जो घोषणा पत्र है उसमें मनुष्य के जन्मजात और अहस्तांतरणीय अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जन्मजात, जन्म से ही मिलने वाले अधिकार, और ऐसे अधिकार जिसे किसी के द्वारा दिया नहीं जाता, वो तो व्यक्ति अपने जन्म से ही अर्जित कर लेता है, जिसमें मानव जीवन की स्वतंत्रता और सुख शांति भी शामिल है, उसे स्वीकार किया गया। ये है 1776 की घटना, और अनेक अधिकारों को वैधानिक मान्यता देने का ये घोषणा पत्र पहला आलेख बनता है। अर्थात रूसो ने जो लिखा है उसके पूर्व ही अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में कुछ ऐसी ही बातें उद्घृत की गई थी, जिसका संबंध मानव की स्वतंत्रता और मानव के अधिकारों से है। वे अधिकारों से जो जन्मजात को मिलने चाहिए, उन अधिकारों से जिसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। कानूनी मान्यता इसे पहली बार इस घोषणा पत्र के माध्यम से मिलती है, जो 1776 का है। 1789 में फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र एक और आता है। इस प्रकार ये दूसरा घोषणा पत्र है जो मानव अधिकारों का विस्तार से जिक्र करता है, और ये घोषणा पत्र जो है दूसरा वाला, वो अमेरिकी घोषणा पत्र की तुलना में उससे ज़्यादा विस्तारित है, ज़्यादा इसमें डिटेल्स में इस पर इसका उल्लेख किया गया है। 19वीं शताब्दी में यदि आए तो समाजवादी आंदोलन जो होते हैं, समाजवादी आंदोलन ने मानव अधिकारों को एक सकारात्मक रूप देने की दिशा में बहुत काम किया।
इस दिशा में इसे अपरिहार्य माना और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक न्याय की जरूरत पर बल दिया। ये वही काल था जब कम्युनिस्ट विचारधारा सामने आती है। इस कम्युनिस्ट विचारधारा का ही परिणाम था कि समाजवाद का विस्तार होता है, समाजवाद विचारधारा का विस्तार होता है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक जिसमें द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द दास कैपिटल, इसमें कार्ल मार्क्स जो कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रणेता माना जाता है, उसने जिस समाजवादी व्यवस्था की बात की उसमें उसने आर्थिक न्याय पर बहुत बल दिया। ये कहने पर बहुत बल दिया कि मानव अधिकार जो हैं वे अपरिहार्य हैं और सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी हैं। जिस तरह का समाज कार्ल मार्क्स ने अपने काल में देखा था, जिसे वह कहता है हैव्स और हैव नॉट्स, अर्थात वह वर्ग जो संपन्न है और दूसरा वह वर्ग जो संपन्न नहीं है, जिसे उसने दूसरे नामों से भी पुकारा, प्रोलिटेरियत और बुर्जुआ, मजदूर वर्ग बनाम सशक्त वर्ग। इस वर्गीकरण को देखते हुए उसने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है, आर्थिक न्याय के लिए जरूरी है कि हम मानव अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिला सकें। भारतीय स्वतंत्रता की तरह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अन्य संघर्षों में भी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए मूल अधिकारों को लेकर, मूल अधिकारों के को संविधान में शामिल करने को लेकर इस भारत में भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस पर बहुत चर्चा हुई, बहुत प्रयास हुए। ये जरूरी माना गया कि देश के समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए मानव के मूल अधिकारों को हम संवैधानिक प्रावधान दें। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी, उन्होंने जो कुछ भी किया उससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रजातियों को समान अधिकार के लिए प्रजाति रंगभेद पर आधारित सभी प्रकार के भेदभावों को दूर करना जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किए गए प्रयोग और उन पर घटी हुई कुछ घटनाएं उनको इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि वे मानव अधिकारों के लिए प्रयास करें और उसी दिशा में वे आगे बढ़ते हुए फिर भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में जब कूदते हैं तो उसमें भी इन अधिकारों के कानूनी प्रावधान की, संवैधानिक प्रावधान की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। रंगभेद आधारित नहीं, समानता पर आधारित। इन सब बातों से साफ हो जाता है कि मानव अधिकार की घोषणा जो है वो स्वयं कोई नवीन अधिकार नहीं है, कोई नई खोज नहीं है, कोई नई बात नहीं है। मानव अधिकार की बात तो बहुत पहले से चल रही थी, 18वीं सदी में उसे एक रूप देना शुरू हुआ। मानव अधिकार की बात शताब्दियों के विकास का परिणाम है। जो भी घटनाक्रम हमने अमेरिकी घोषणा पत्र, फ्रांसीसी घोषणा पत्र, कार्ल मार्क्स के समाजवादी आंदोलन और अन्य विचारकों के विचारों में देखते हैं, ये सब हजारों वर्षों से चले आ रही घटना की परिणति थी, विकास की परिणति थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1948 में मानवीय अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को स्वीकार किया, अर्थात अपनी स्थापना के 2 वर्ष के अंदर ही उसने इस बिंदु पर भी बहुत ध्यान दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका मूल उद्देश्य था विश्व शांति, या मूल उद्देश्य है विश्व शांति, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के मद्देनजर उसने पाया कि विश्व शांति के लिए मानवाधिकार एक बहुत अहम बिंदु है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, विश्व शांति बनाए रखने के लिए मानवाधिकारों का उचित प्रावधान बहुत आवश्यक है।
और इस चार्टर को जो 1948 में बनाया गया, अब इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इसे मिल चुका है। तो मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा क्या है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। संक्षिप्त में इसे हम जानने की कोशिश करें। और ये मानव अधिकारों की चर्चा हम उस अध्याय में कर रहे हैं जिसका शीर्षक है सुरक्षा, और अपरंपरागत सुरक्षा की श्रेणी में हम इसको बात कर रहे हैं। तो आपको इस अध्याय के इस पक्ष को सुरक्षा से जोड़कर समझना होगा, मानवीय सुरक्षा से जोड़कर समझना होगा। दूसरे विश्व के दौरान मानव अधिकारों पर जिस तरीके से कुठारापात हुआ, हमला हुआ, तो भविष्य में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस व्यवस्था की जाने की जरूरत है। मानव अधिकारों के उल्लंघन का बहुत बड़ा उदाहरण था हिटलर की फौज के द्वारा किया गया बर्बरता का व्यवहार, जिसमें उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, ऐसे कैंप बनाए जिसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहा जाता था, वहां गैस चैम्बर्स में और अन्य बहुत ही घिनौने तरीकों से एक बहुत बड़ी संख्या को मौत के घाट उतारा। मात्र गोलियों से भूनकर ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे नए तरीके अख्तियार किए लोगों को मौत के कुएं में डालने के जो बर्बरता से कम नहीं, और बहुत से लोगों को उनके एक सामान्य जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर दिया। इन परिस्थिति ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई, ऐसे ऐसे विवरण विश्व युद्ध के बाद सामने आए जिसने स्पष्ट कर दिया कि समय आ गया है जब मानव अधिकारों को एक कानूनी दर्जा दिया जाए, संवैधानिक प्रावधान किया जाए। इस ठोस व्यवस्था की जरूरत के अंतर्गत ये महसूस किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और व्यवस्था संबंधी इस आवश्यकता की पूर्ति का जो काम है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे लिया, और इसके लिए श्रीमती एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकार आयोग का गठन किया। आप समझ सकते हैं मानव अधिकार आयोग जो गठित होता है उसका उद्देश्य क्या रहा होगा, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि आपको स्पष्ट हो गई। इस आयोग ने मानव अधिकारों के घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार करके संघ की महासभा में रखा, और महासभा द्वारा स्वीकृत हो जाने पर मानव अधिकारों की सार्वलौकिक या विश्वव्यापी घोषणा के रूप में इसे दुनिया के सामने रखा। सार्वलौकिक या विश्वव्यापी घोषणा के रूप में इसको सामने रखा। ये जो घोषणा पत्र एलेनोर रूजवेल्ट ने बनाया और महासभा से उसे जो स्वीकृति मिली, इसमें क्या है? इस घोषणा पत्र को संपूर्ण मानव समाज के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा शब्द का अर्थ होता है विशाल चार्टर। पहली बार शब्द का उपयोग हुआ था 1688 के आसपास इंग्लैंड में, जब वहाँ के तत्कालीन शासक ने मैग्ना कार्टा के माध्यम से देश के एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इस मैग्ना कार्टा को जो घोषणा पत्र ही है, इसके वास्तविक रूप के संबंध में पामर और पार्किंसन इन्होंने क्या कहा है थोड़ा ये समझना जरूरी है। वो इस बात को बताएगा, उनकी इस बयान से आप समझ जाएंगे कि मैग्ना कार्टा कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा यह घोषणा अर्थात ये घोषणा पत्र आदर्शों का प्रतिपादन है, आइडियल्स। कानूनी रूप से रद्द करने वाला इसमें कोई समझौता नहीं है, अर्थात ये एक घोषणा पत्र है लेकिन कुछ
कानूनी जामा इसको जब तक नहीं पहनाया जाएगा इसकी बाध्यता तो नहीं रहेगी। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज जरूर है, अर्थात एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज के नाते सभी राष्ट्र इस घोषणा पत्र को जरूरत के अनुसार देख सकते हैं और उस पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं। मानवाधिकार का घोषणा पत्र, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। अब हम आते हैं मानव अधिकार के प्रकार क्या हैं, कितने तरह के मानव अधिकार हैं। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पत्र जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें मूलतः राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। ये राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता वही है जिसके लिए सैकड़ों वर्षों से संघर्ष मानव करता रहा। और जैसा मैंने पूर्व में कहा, यद्यपि हम संघर्ष करते रहे पर हर बार पाया गया कि जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो ऐसी है कि वह सतत रूप से इन अधिकारों को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। इस प्रयास के खिलाफ जो घटनाक्रम होता है वही संघर्ष है। सत्ता के द्वारा किए गए प्रयास के विरोध में किया गया घटनाक्रम ही तो संघर्ष है, तो संघर्षों की कहानी है इस घोषणा में। जो मानव अधिकारों का घोषणा कहलाया, इसमें एक प्रस्तावना है और 30 धाराएं हैं जिसे अनुच्छेद भी कह सकते हैं। प्रस्तावना और 30 धाराएं। ये जो घोषणा पत्र है इसका जो दायरा है बहुत व्यापक है। इसमें न केवल नागरिक अधिकार या राजनीतिक अधिकारों का जिक्र है बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का भी पूरा उल्लेख है। अर्थात समग्र दृष्टि से मानव विकास के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, अधिकारों के दर्जे में जो आते हैं, उन्हें यहाँ पर रेखांकित किया गया है। इन अधिकारों को संक्षिप्त में एक एक बिंदु में हम देखते हैं। पहला, नागरिक और राजनीतिक अधिकार। इसके अंतर्गत कौन सी धाराएं आती हैं? पहला, सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। किसी के द्वारा ये दी जाने वाली वाले अधिकार नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, जन्मजात स्वतंत्रता और समानता। पैदा होते ही हम सब समान हो जाते हैं, तो असमानता का जिक्र बाद में क्यों होता है? लिंग के आधार पर असमानता, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर और न जाने कितने आधार पर, आर्थिक संपन्नता के आधार पर, आर्थिक विपन्नता के आधार पर, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, ये सब गलत है। जन्मजात मानव समान है। दूसरा, सभी को इस घोषणा में जो भी अधिकार और आज़ादी का उल्लेख किया गया है उसे पाने का हक है। सभी को हक है, चाहे वो किसी भी वर्ग, श्रेणी, जाति, देश आदि का हो, हक सभी को है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है। तीसरी धारा सुरक्षा से संबंधित है, जीवन से सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा का अधिकार, स्वाधीनता का अधिकार और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार। चौथा, कोई भी गुलामी या दासता की हालत में नहीं रखा जाएगा, ना कोई गुलाम है ना कोई दास है। गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूप में निषिद्ध है। अर्थात गुलाम और दास ये शब्द ही अब अस्तित्व में नहीं रहे। ये चौथा बिंदु था और इसकी पृष्ठभूमि में वो सच्चाई है
पिछले 400-500 वर्षों की, जिसके तहत हजारों लाखों करोड़ों लोगों को गुलाम के रूप में रखा गया, चेन से बांध कर रखा गया, उनकी जो दुर्दशा हुई उसकी कहानियां किंवदंतियां बन चुकी हैं। उसके मद्देनजर ये चौथा अधिकार, चौथा जो अनुच्छेद है, वह गुलामी और दासता को पूरी तरह निर्मूल करने का है। पांचवी धारा क्या थी? शारीरिक यातना न देने की। हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह उसे किसी भी तरीके से किसी के भी द्वारा शारीरिक यातना न दी जाए और न ही किसी के प्रति निर्दय, अमानुषी या अपमानजनक व्यवहार किया जाए। कोई भी किसी को शारीरिक यातना नहीं दे सकता, चाहे वह पुलिस ही क्यों न हो, फौज ही क्यों न हो। इस बात से बात स्पष्ट है। छठवां, हर किसी हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति सभी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार रखता है। सातवां, कानून की नज़र में सभी लोग समान दृष्टि से कानूनी सुरक्षा के पात्र हैं, उसके अधिकारी हैं समान दृष्टि से। कानूनी सुरक्षा सबको सुनिश्चित की जानी चाहिए, चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो या किसी भी श्रेणी का हो। सभी व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ न्याय पाने का अधिकार, अदालतों की कारगर सहायता पाने का अधिकार। अदालतों की कारगर सहायता पाना ये अधिकार है हमारा। किसी के द्वारा कोई एहसान नहीं। यदि सरकार हमारी मदद के लिए आती है कानूनी सहायता देने के लिए, तो ये हमारा अधिकार समझा जाए। नौवां, किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार करना, नज़रबंद करना या निष्कासित करना गलत है, इसे गैर कानूनी माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से न गिरफ्तार किया जाएगा, न नज़रबंद किया जा सकता है, न निष्कासित किया जा सकता है। दसवां, सभी को पूर्ण रूप से समान हक है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चय करने के मामले में और उन पर आरोपित फौजदारी किसी मामले में उनकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष अदालत में हो। बारंबार इस बात का जिक्र आ रहा है, आपने जितनी अभी धाराएं पढ़ी उसमें उचित न्याय और समानता पर लगातार बल दिया जा रहा है। न्याय सभी के लिए समान, न्याय के दरवाजे सभी के लिए खुले रहना और सबको समान दृष्टि से राज्य और न्यायपालिका द्वारा देखा जाना, ये इन अधिकारों का अहम मुद्दा है। आगे जो धाराएं हैं उसे हम और देखें। ग्यारहवीं धारा है, हर व्यक्ति जिस पर दंडनीय अपराध आरोप लगाया गया हो, दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया हो, वह तब तक निरपराध ही माना जाए जब तक खुली अदालत में, जहां उसे सफाई की सारी सुविधाएं मिली हों, कानून के अनुसार वह अपराधी सिद्ध न किया गया हो। अर्थात कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा, जब तक कोर्ट में निष्पक्ष रूप से, जहां उसे भी अपनी बात रखने का मौका मिले, वहां कोर्ट में साबित हो कि इसने कुछ अपराध किया है। अपराध साबित होने के बाद ही किसी को अपराधी कहा जाए, माना जाए, उससे पहले नहीं। इस बिंदु को मैं इस विशेष जोर से इसलिए बता रहा हूं कि मात्र गिरफ्तार होना अपराधी होना साबित नहीं करता। कोर्ट में, न्यायालय में साबित होना कि मैंने अपराध किया है, तभी मैं अपराध
अपराधी साबित होऊंगा।